इरादा बताने की जरूरत नहीं। मैंने ये कर दूसरी है केवल हमको यहाँ से केवल भीड़ एकत्र करनी है। यहाँ बहुत बहुत दूर से डिस्ट्रिक्ट हाथस के अलावा भी बाहर के भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे भी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं और कुछ रास्ते में चल रहे हैं। वैसे अब तक एकत्रित हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मौसम को देखते लोगों ने अपना अरेंजमेंट जैसे भी किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और हृदय से कृतज्ञ हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को और जो आ रहे हैं उनके लिए मेरा धन्यवाद है। और एक बार सभी बैठे हुए यहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से जोरदार ताली चाहिए। देखिए हमारे अंदर जज्बा तो होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड पे जैसे मोबाइल फोन लग जाता साइलेंट मोड पे, ऐसे भी नहीं है, लेकिन जज्बा तो होना चाहिए। लेकिन जज्बा का जो तरीका है, जज्बा हमें कहां दिखाना है, केवल सही जगह पे हमें अपना जज्बा दिखाना है। हमें केवल यहां भीड़ एकत्रित करके यहां से हमें मार्च करते हुए कलेक्टर हाथस पहुंचना है और वहां केवल हमको डीएम साहब के समक्ष अपना ज्ञापन पेश करना है, केवल ज्ञापन देना है हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शोर शराबा करें और जयकारे लगाएं, इट इज नॉट वैलिड फॉर अस। हमारे लिए ये वैलिड नहीं, ये वैध नहीं है। तो हमें कोई भी जयकारा नहीं लगाना है, आपस में कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं करना है, कोई भी शोर शराबा नहीं करना है, केवल हमें डीएम साहब को ज्ञापन देना है। और ज्ञापन देने का मतलब है कि हम अपने जिस हक के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए हमें इन्फॉर्म करना है केवल डीएम साहब को, जिला अधिकारी को केवल इन्फॉर्मेशन करना है। और इन्फॉर्म करने के लिए हमें कोई भी उदमबाजी की जरूरत नहीं होती है। देखिए हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो कोई नया कार्य नहीं है। आपको कभी दिल में ये बैठो पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई पहली बार ये कार्य नहीं कर रहे और ना ही कोई हम नया कार्य करने जा रहे हैं। हम केवल वही कार्य करने जा रहे हैं जो आज तक हमारे समाज के लोगों ने किया है। सन 1947 की बात करूं, सन 1947 में अपना देश स्वतंत्र हुआ तो क्या लग रहा है कि उन लोगों ने क्या भीड़ नहीं जुटाई थी? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भीड़ जुटाई थी। और एक विशेष बात मैं आपको इसमें बताऊंगा और बताऊंगा क्या आपसे ज्यादा नहीं जानता, मैं केवल शेयर करूंगा आपके साथ जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से अपने भाइयों से जो भी सीखा है। कोई भी संघर्ष ना तो उसकी सीमा होती है ना उसका समय होता है और ना वो निश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता। हम किसी को निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम डेफिनेट बोल सकते हैं कि ये निश्चित है। अगर मान लो ऑल ओवर इंडिया में जब सभी को अपना हक मिला हुआ है तो क्या हम हक मांगने जा रहे हैं? तो क्या हम कोई नया कार्य कर रहे हैं? बता, कोई नया कार्य करने जा रहे हैं हम? हम कोई नया कार्य नहीं कर रहे, केवल हम अपना हक मांगने के लिए अपनी मांग प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
लोगों का खून बहा, आज के इतिहास में एक मुहावरा बन के रह गया। तो आप लोगों को खून नहीं बहाना, केवल अपने हक के लिए भी मांग प्रस्तुत करनी है, और अगर खून बहाने का भी काम आया तो हम सब लोग तैयार रहेंगे। वो तैयार हो, हाथ ऊपर करके करो, तैयार हो। ४९४७ में देश आजाद हुआ, और मैं बहुत गहराई की बात बताने जा रहा हूं आपको। 1947 में देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो क्या हमारी समाज को छोड़कर ही स्वतंत्र हुआ? अरे स्वतंत्रता का मतलब तो यही होता है कि सभी लोग स्वतंत्र होने चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। अपने संविधान में वर्णित जो भी अधिकार हैं उनका सबका फायदा हमें मिलना चाहिए, जब और समाज के लोगों को मिल रहा है। और एक और गहराई की बात,